हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 9 अक्टूबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया गया है। और कपास की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो यहाँ काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य कपास के लाभों का जश्न मनाना, जिससे कि प्राकृतिक फाइबर के रूप में इसके व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभ शामिल है। WCD दिवस की शुरुआत कपास 4 देशों के समूह बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के महत्व को दर्शाने के लिए की गई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजो इबीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने 5 वर्षों में कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों में 3 PM मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा। केंद्र ने अर्थव्यवस्था में कपड़ा के क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती के साथ स्थापित करने में मदद करने के प्रयास में देश भर में 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क या पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। और मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन एंड अप्रैल पार्क माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित होंगे। 5F फार्मूला है क्या है, यह फार्मूला देख लेते हैं। इसमें है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन इसमें शामिल है। तो यह है 5F फार्मूला। और इस परियोजना के लिए 5 वर्षों के लिए 4,445 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है यह असम में प्रारंभ किया है। असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्ला बैद ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। और टेबल आकार की मछली जैसे भांगन, मृगल और रोहू और मीठे पानी और समुद्री जल में जमी हुई मछली के साथ सूखी मछली के पैकेट, सूखी कच्ची मछली और मछली के आचार और प्रसंस्कृत मछली उत्पादों के साथ उपलब्ध होगी। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा सरमा और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने इसका भी अनावरण किया है। जनवरी फाइनल में आयोजित होने वाले स्टेडियम में एक लाइट शो के साथ एक समारोह के दौरान फुटबॉल की 2024 यूरोपीय चैंपियनशिप के लिए लोगों का अनावरण किया है। और लोगों ने हेनरी डेलाउने कप, बबल्स टूर्नामेंट ट्रॉफी की एक रूपरेखा है जो ओलंपिया स्टेडियम की छत के समान रंगीन अंडाकार रूपरेखा पर सेट है। और इसमें UEFA के 55 सदस्य देशों के झंडों का रंग है जो 24 टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रॉफी के चारों ओर 24 स्लाइड्स में सेट है जो अंततः जर्मनी में
टूर्नामेंट के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। इस तरह का यह लोगो जारी किया है जर्मनी ने। जर्मनी ने 2006 में विश्व कप की मेज़बानी की, जिसका फाइनल नवीनीकरण ओलंपिया स्टेडियम में हुआ था। और स्टेडियम मूल रूप से 1936 ओलंपिक खेलों के लिए बनाया गया था, जो नाजी जर्मनी द्वारा होस्ट किया गया। और पश्चिमी जर्मनी ने 1974 में विश्व कप और 1988 में यूरोपियन चैंपियनशिप की मेज़बानी भी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत पे ने यह लॉन्च किया है। फिनटेक कंपनी भारत पे ने पोस्ट पे के लॉन्च के साथ बाय नाउ पे लेटर श्रेणी में प्रवेश की घोषणा की है। और नया प्लेटफॉर्म ग्राहकों को अभी खरीदारी करने के बाद में कहीं से भी भुगतान करने का क्रेडिट प्रदान करता है। और पोस्ट पे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले ग्राहक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त क्रेडिट सीमा का लाभ उठा सकते हैं। और कंपनी ने कहा है कि पोस्ट पे केवल बड़ी टिकट खरीद तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसका उपयोग सूक्ष्म खरीद के लिए भी किया जा सकता है। देखिए, छोटे प्रकार की खरीद जो होती है उसके लिए भी किया जा सकता है। और भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? यह है अश्नीर ग्रोवर। और भारत पे का मुख्यालय है नई दिल्ली। और भारत पे की स्थापना की गई थी 2018 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट जारी की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे प्रेजेंट टाइम पर मनसुख मंडाविया, इन्होंने यह रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में यूनिसेफ के ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रोमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रनस मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल के लगभग 14% या उनमें से 7 में से एक ने अक्सर उदास महसूस करने या काम करने में कम दिलचस्पी होने की सूचना दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रजक गुरनाह को यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। यही है अब्दुल रजक गुरनाह जिनको यह पुरस्कार देने की घोषणा की है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में जांजीबार में पैदा हुए और इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रजक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैट के लिए प्रदान किया गया है। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF जूनियर चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। यही है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पेरू के लिमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। और युवा खिलाड़ी ने फाइनल में 463.4 के स्कोर के साथ जूनियर विकास रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। और दूसरे स्थान पर रहने वाले फ्रांसीसी लुकास क्राइज से लगभग 7 अंक आगे रहे और जिन्होंने 456.5 स्कोर के साथ रजत पदक जीता। और यूएस के गेविन वार्निक ने 446.6 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य ने अभी यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने मासिक धर्म से
जुड़े कलंक से निपटने और महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम प्रारंभ किया। स्वच्छ अर्थात स्वतंत्रता का उद्देश्य किशोर लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य और मानसिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुँच सुनिश्चित करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरविंद त्रिवेदी जी का निधन हुआ, वह कौन थे। वह एक प्रमुख अभिनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने रावण का अभिनय किया है और उनका भी हाल ही में निधन हो गया। यही थे अरविंद त्रिवेदी, जिन्होंने 1980 के दशक में जो रामायण बनी थी उसमें रावण का रोल निभाया था। वयोवृद्ध टेलीविज़न अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जो रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक सीरियल रामायण में राक्षस राजा रावण का प्रतिष्ठित भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका निधन हो गया और वह 82 वर्ष के थे। वह गुजरात के साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से एक सांसद के रूप में राजनीतिक क्षेत्र का भी हिस्सा थे और उन्होंने 1991-96 तक संसद की सेवा की थी और उन्होंने 2002 से 2003 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।